क्लियर एग्जामिनेशन बोर्ड गुजरात 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं कि इसका एक नोटिफिकेशन व्हाट्सएप सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे हैं। अब बड़ी अजीब बात है कि कोई इसको देख नहीं रहा है, सिर्फ सर्कुलेशन में एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। मैं अपने चैनल पे सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ जिससे आपका भला हो सके और मेरा भरोसा बना रहे। जिस उम्मीद से आप हमारी वीडियो को देखते हो, उसी उम्मीद से मैं ये समझता हूँ कि इस अफवाह से आप लोगों को बाहर निकालना मेरा प्रथम धर्म है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वह कौन सा अफवाह है। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। इसी नोटिफिकेशन को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेशन किया जा रहा है और सर्कुलेट करने के बाद ये जोड़ दिया जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है 2023 का निकल गया है, एग्जाम डेट निकल गया है, सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ। अभी आपने जो नोटिफिकेशन देखा, ये नोटिफिकेशन 2023 नहीं 2022 का है। दोस्तों, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखिए, ये देखिए, मैंने मार्क किया है 13/4/2022। ऑनलाइन अर्जी फॉर्म भरवानू, ये जो ऑनलाइन अर्जी फॉर्म भरने का डेट है 23/4/2022। आप बताओ 23/4/2022 अभी दोबारा आएगा? नहीं, ये छोड़ दो ना, ये छोड़ो। हमने अहमदाबाद ऑफिस में हमारे एक जानने वाले हैं, उनसे मैं संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि अभी ऐसा कुछ नहीं निकला है नोटिफिकेशन। आप ये जो फैलाया जा रहा है, ये एक अफवाह है और कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको इतला करूँगा। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ चैनल पर बने रहो और तैयारी करते रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रह गई बात ये नोटिफिकेशन का, तो जैसे आएगी वैसे मैं आपको दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? आप वीडियो देखो और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसको पूरा करते रहो। और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कमेंट करते रहो, मैं आपको देते रहूँगा। जैसे कि आज का एक कमेंट आया था मेरे पास एक भाई का कि सर जी बताइए कि मेन होल का पैकिंग का गैसकेट का साइज कैसे लेते हैं। इजीली है, जब आप मेन होल खोलते हो तो उसका ढक्कन बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो जहाँ पे पैकिंग बैठती है उस जगह पे आप ग्रीसिंग कर दो, पूरा ग्रीस लगा दो और उसके बाद उसके ऊपर एक पेपर बैठा दो। जहाँ जहाँ पेपर का राउंड फिगर बनेगा, कैची से उसको साइज में ले लो, काट लो और उसी साइज का आपका एक गैसकेट कट जाएगा। ये सीधा सा फंडा है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। और मेथड अगर आप कैलकुलेशन मेथड पे जाओगे तो इजी नहीं होता है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सबसे आसान बता दिया हूँ, आप डमी को बाहर निकालो, उसमें ग्रीस डालो और ग्रीस डाल के उसमें आप पेपर का एक टुकड़ा उस पर बैठा दो, जहाँ पे ग्रीस लग गया वो साइज आपका मिल गया, कैंची से कट लो। ये है मेथड। दोस्तों, एक व्यूअर हमारे और हैं जिन्होंने हमारे कमेंट में सवाल किया था कि सर जी एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास वालों से क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको वही पूछा जाएगा जो सेकेंड क्लास वालों से पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना डिफरेंट ये होगी कि आपसे जो पूछा जाएगा वो एकदम श्योर होना चाहिए। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि आरओ क्या है, आप बोलोगे हमारे यहाँ आरओ नहीं है, नहीं चलेगा। डीएम क्या है, आप बोल दोगे कि हमारे यहाँ डीएम वाटर नहीं है साहब, नहीं चलेगा। आपको जानकारी चाहिए तो चाहिए। सेकेंड क्लास वालों का क्या है कि वो हो जाता है, डीएम प्लांट नहीं है तो चलो सीखने के लिए उसको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है उनको, लेकिन आपको लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, आपको हैप्पी लाइसेंस दिया जाता है बॉयलर ड्राइव करने के लिए, इतना जान लेना। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको
आरओ रिलेटेड हो गया, डीएम वाटर रिलेटेड हो गया, इस पर तो एकदम कंफर्म करना है। सॉफ्टनर पे कंफर्म करना है, सॉफ्टनर में रेगजीन कौन सा है, साइज क्या है, स्टैंडर्ड का साइज क्या है, आरओ में फ़िल्टर कितने लगे हुए हैं, फ़िल्टर का क्या साइज है, फ़िल्टर के होल का क्या साइज है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो होता है उसकी कौन से फ़िल्टर का क्या नाम है, कॉटेज फ़िल्टर क्या है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर क्या है, वो जो पानी का प्रेशर दिखाता है उस प्रेशर गेज को क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का नाम जानने के लिए आपको वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देते रहूँगा और दिया भी हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वीडियो देखो और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इतला करूँगा और नई आपकी तैयारी इम्प्रूव कराने के लिए नई नई वीडियो मैं लाता रहूँगा। क्वेश्चन आंसर का सीरीज चलाया हूँ, उसमें मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू होगा। आज मैं सिर्फ ये नोटिफिकेशन क्लियर करने के लिए क्वेश्चन आंसर का सीरीज नहीं डाला हूँ, अगला मेरा क्वेश्चन आंसर का सीरीज कंटिन्यूअस रहेगा। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।